fact remains the same. Reach more people, make more money. व्यभिचार में वैश्यावृत्ति में कैसे भगवान के, फिर तो ये भगवान के तो दुश्मन बन जाएंगे। कोई शराबी के सामने कोई महात्मा है तो शराबी ऐसे ही देखता है कि बोल भी देता है कि क्या महाराज एक अमेरिका है इसमें, क्या ये पैंट शर्ट पहना करो। वो देखना ही नहीं चाहता महात्मा को, साधु को, तो भगवान को कहां देखना चाहता है। वो खुद ही भगवान बना हुआ है, एक बोतल ढाल ली खुद भगवान बन गया। ऐसे ही किसी ने पैसा इकट्ठा कर लिया खुद भगवान बन गया, या बन जाना चाहता है और ना जाने क्या क्या बन जाना चाहता है। तो फिर ये पाप करता है। महाशनो महापाप मा विद्य एनम भी है बैरिनम। तो काम संसार को भोगने की, इंद्रिय तृप्ति करने की जो इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, यही सारा पाप करवाती हैं। और ये कभी तृप्त तो होती नहीं इच्छा है, महाशन अतृप्त रहने वाली। महापापमा और महान पाप भी करवा लेती है। विद्य एनम यह वैरिणम, इस विषय में हे अर्जुन तू इस काम को ही मुख्य समझ, भोग विलासों को ही मुख्य समझ, संसार को भोगने की प्रवृत्ति। भोक्ता रम्य गितप्साम सर्वलोक महेश्वरम, ये अनंत ब्रह्मांडों के भोक्ता एकमात्र श्री कृष्ण है। भगवान कह रहे हैं भोक्ता रम्य यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। नहीं, हम भगवान की शरण में रह करके, भगवान के चरणों में रह करके हम सभी प्रकार आनंदित हो सकते हैं। भगवान से अलग होकर के तो हम संसार के भोगों में, काम वासनाओं में ही उतरेंगे। फिर काम क्रोध मद मोह नाथ नरक के पंथ, फिर ये नरक में ले जाने वाले ही सिद्ध होते हैं जितने भोग विलास हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एसाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। पायस एक्टिविटीज करते करते, पूर्ण धर्म करते करते, दया धर्म करते करते, निष्काम कर्म करते करते, परोपकार करते करते, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं पूरी तरह से, पापों का फल आना बंद हो गया है, ऐसे व्यक्ति मेरी शरण में आते और मुझे, ऐसे ही व्यक्ति द्वंद्वों से मुक्त हो पाते हैं, इच्छा द्वेष जैसे द्वंद्व से मुक्त हो पाते हैं। उनके हृदय में इच्छा की जगह मेरी सेवा और द्वेष की जगह मेरा प्रेम उनके हृदय में भर जाता है। तेसाम द्वंद्वगत, तेसाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। ऐसे ही व्यक्ति जिनके पाप, पापों का फल आता बंद हो गया, यानी पाप पूर्णतया जल गए हैं, ऐसे ही व्यक्ति द्वंद्व से परे होते हैं। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, और ये द्वंद्व इच्छा द्वेष से जो परे हो गए हैं, भजन्ति माम दृढ़व्रता। तो फिर व्यक्ति मुझे दृढ़ व्रत, दृढ़ संकल्प लेकर के कि बहुत हो गया, बार बार इस संसार का भोग किया है, इस बार नहीं करूंगा। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो,
हे माधव, बहुत जन्मों से हम आपसे दूर रहे, आपको भूल गए, इस संसार में पाप को अपना लिया, विषय भोगों को अपना लिया, वैमनुष्यता को धारण कर लिया। अभी इस जन्म में हम आपकी शरण में आना चाहते हैं। ऐसा व्यक्ति मेरी शरण लेता है और दृढ़ व्रत लेकर के मेरा भजन करता है, मुझे पाने की, मेरे धाम में आने की कोशिश करता है, इस संसार के जन्म मरण जरा व्याधि से छूटने के लिए प्रयत्न करता है और छूट जाता है। ते द्वंद मोह निर्मुक्ता, वे द्वंद्व से परे हो जाता है। फिर उसके हृदय में मेरी प्रेम भरी सेवा और मेरा प्रेम समाहित हो जाते हैं। ऐसा ही व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है जो दृढ़ व्रत लेकर के मेरा भजन करता है। ये भगवान कह रहे हैं, एसाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। ऐसे लोग मेरा भजन करते हैं, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ते ते ब्रह्म तद् विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। फिर भगवान ने कहा कि ऐसे व्यक्ति मेरे आश्रय में रह करके, मेरी शरण में रह करके जन्म जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ते। ये जरा यानी बुढ़ापा, मरण यानी मृत्यु, इनसे मुक्त होने के लिए मेरे आश्रय में आते हैं, मेरी शरण में आते हैं और यतन्ते प्रयत्न करते हैं मुझे प्रसन्न करने का, मुझे रिझाने के लिए, मेरी सेवा करके, मुझे पुष्प अर्पण करके, मेरा भजन करके, मेरा कीर्तन करके, मेरा नाम का जप करके नाचते हैं, मेरे मंदिरों की मूर्तियों के सामने मीरा ने घुंघरू बांध लिए थे भगवान को रिझाने के लिए, घुंघरू खरीद लिए थे चित्तौड़गढ़ उदयपुर के बाजार में से, बांध लिए पांव में, नाचती थी, राजकुमारी थी, पटरानी थी, चित्तौड़गढ़ की राजकुमारी थी, उदयपुर की पटरानी थी, पांव में घुंघरू बांध लिए थे वो श्री कृष्ण को रिझाने के लिए, नाचती थी, गाती थी, हंसती थी पागलों की तरह,